और दोबारा से अब जब चुनाव की बात आई है तो मैं तो इनको एक मदारी कहूंगी। ये मदारी जो है ना बहुत तगड़ा मदारी है, डुगडुगी लेके आ जाता है, कोई ना कोई नई चीज निकाल कर। एक प्रोपोगेंडा इस तरह से करा जाता है कि लोगों के दिमाग के अंदर ऐसा भ्रम पैदा हो जाए कि पता नहीं क्या चीज। और निश्चित तौर पे आपको मैं आज बता के जाना चाहती हूं कि जो पंक्तियां जो अभी दान सिंह ने पढ़ी हो, क्या पत्थर मारने वाली, ये सच्चाई है कि ईमानदारी के साथ अगर अपनी नियत के साथ काम करा जाए तो वही चींटी जो है वो हाथी को भी नीचे डाल देती है। और यही बात इनके साथ होने जा रही। आज हमारा जो इलाका है इधर का सारा, ये सारा का सारा फौजियों का बहुमूल्य क्षेत्र है, सही बात है नहीं? और आज मैं इन्हीं की बात बढ़ाते हुए आगे एक बात और बताना चाहती हूं आपको कि मैं एक फौजी की बेटी हूं। ब्रिगेडियर आत्मा सिंह मेरे पिताजी का नाम है। अब 90 वर्ष के पूरे हो गए हैं और भगवान चाहे अच्छी सेहत है, भगवान उनको आगे और उम्र दे। तो शुरू से बचपन से जो है हम जो पले पोसे हैं इसी माहौल के अंदर हम भी बड़े हैं। और मेरे पिताजी कमाऊं रेजिमेंट से ताल्लुक रखते हैं। आप सब जानते हैं कमाऊं रेजिमेंट के अंदर दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो कमाऊनिया का है, कमाऊनीज होते हैं, और दूसरे अहीरवाल के अपने सारे के सारे अहीर होते हैं। मेरे पिताजी ने 5 कमाऊं, 17 कमाऊं, 31 कमाऊं कमांड करी है। 3 युद्धों के अंदर उन्होंने जो है गए हैं, लड़ाई लड़ी है, कमांड करा है एक युद्ध तो अपने बटालियन से, पाकिस्तान का, चीन का, बांग्लादेश का। और ये जो सर्जिकल स्ट्राइक की है जो इतनी बड़ी बड़ी बात आज कही जाती है, 1971 के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक जो है उन्होंने कमांड करी थी मेरे पिताजी ने, और पाकिस्तान के अंदर जाकर 80 किलोमीटर अंदर जाकर आतंकवादियों का सारा जो उनके जो वहां पे जो ये बने हुए थे, जो उनके कस्बे जो बने हुए थे उनको तहस नहस करा। वहां पर उनके 2 अफसरों की मौत हुई और कुछ जवान हमारे उनके साथ शहीद हुए। लेकिन क्योंकि ये कोवर्ट ऑपरेशन था, ओवर्ट नहीं था, कोवर्ट का मतलब खुफिया, सर्जिकल स्ट्राइक खुफिया होती है, तो चुपचाप रात के अंधेरे में, अमावस की रात, मेरे पिताजी मुझे बताते हैं अमावस की रात थी वो जब चुना गया था, जब ये ऑपरेशन हो रहा था, और वो लाशों को अपने कंधों के ऊपर लेकर वापस हिंदुस्तान के अंदर आए ताकि किसी को पता ना चले, खबर ना हो कि हिंदुस्तान के सैनिकों ने अंदर जाके उनको मारा। आज जब वो रिटायर हो गए 10 साल पहले, जब उन्होंने मुझे ये बात बताई, कभी हमने सुना नहीं था कि जो फौज जो इस तरह के खुफिया ऑपरेशन करती है उसको बाहर खुलासा कर दिया जाता है। उससे इसका मतलब तो ये है कि जो हमारे एनिमीज हैं, हमारे जो दुश्मन है पाकिस्तान, उसको मालूम चल जाए कि हम कर क्या रहे हैं। सही बात है या नहीं है? इंदिरा गांधी जी ने, उन्हें मालूम था कि हम हिंदुस्तान दोनों तीनों तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए, बीच में हिंदुस्तान, इधर ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान, और ऊपर चीन। तो उसकी सोच देखो, कांग्रेस की प्रधानमंत्री की सोच देखो, उसने सोचा कि ये जो है पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े करना पड़ेगा ताकि आने वाले समय में हम दोनों तरफ से घिर के, तीनों तरफ से घिर के ना रह जाएं। क्या करा इंदिरा जी ने? इंदिरा जी ने, मेरे पिताजी ने ये बात बताई हुई है मुझे, इसलिए आपके बीच में आज ये बात रख रही हूं, क्योंकि ये बात जब दान सिंह जी ने कही मैंने कहा थोड़ा सा और विस्तार में आगे कर देती। मुक्ति वाहिनी तैयार करी जो आज बांग्लादेश जिसको कहते हैं, उनके पास कोई फौज नहीं थी, चुपचाप अंदर 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 गोला बारूद राइफल सारा कुछ उनके अंदर भेजा और उनकी एक फौज तैयार करी जो उनकी जैसे हमारी आजाद हिंद फौज
हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने तैयार करी थी, इस तरह से बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी फौज तैयार करी। जब मुक्ति वाहिनी लड़ाई लड़ी पाकिस्तान के साथ, तो ये नजर आया कि भाई पाकिस्तान की फौजों के पास तो बहुत गोला बारूद है, टैंक है, सब कुछ है, और ये तो खत्म कर देंगे इनको। अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो है, हम ये दिखाना नहीं चाहते थे कि हम जो है दखलंदाजी कर रहे हैं, तो क्या करा इंदिरा जी ने, फौज को इजाजत दी कि तुम अंदर जाओ, मुक्ति वाहिनी बनकर पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ो। हमारे फौजियों ने, जिसमें मेरे पिताजी भी थे, उनकी आज भी फोटो है मेरे पास, दिखाऊंगी मैं कभी, तहमत बांध रखी है, हाथ में राइफल है, मुक्ति वाहिनी बनकर पाकिस्तान की फौजों का सामना कर। और इंदिरा जी के समय पर 90,000 से भी ज्यादा सैनिक जो है पाकिस्तान के, उन्होंने आत्मसमर्पण करा। तो कहने का मतलब ये सारी कहानी आपको इसलिए बताई कि कभी भी फौजियों के ऊपर इस तरह की राजनीति हमने तो कहीं देखी नहीं ना सुनी। आज ये प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि अपना वोट जो है वो शहीदों के नाम समर्पित कर दो, इससे ज्यादा डूब मरने की बात नहीं होगी। एक फौजी की बेटी होने के नाते फौज जो है सबकी है, फौज बराबर है। आज मोदी जी है, कल कोई और हो, चाहे कोई और हो, फौज इस देश की है और उस फौज के ऊपर हमारे को गर्व है। लेकिन उस फौज का राजनीतिकरण जो करता है, हमारे को समझ जाना चाहिए कि ये खोखले हो चुके हैं, इनके पास कुछ और नहीं रहा, और ये हमारे को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आप अपना जाके जो है ये आप लोगों ने बताना है। बहुत सारी बातें, पुलवामा की बात अगर करें तो हमारे पास पूरी तरह से इतना थी कि आतंकी हमला होने वाला है। डीआईजी पुलिस ने कहा कि इनको जो है एयरलिफ्ट करके ले जाओ, लेकिन नहीं, रोड से ही जाएंगे। हमारे फौजी जो थे वहां पर, हमारे इतने सारे फौजी, उन्होंने अपना जो है अपने जीवन का बलिदान दिया। तो ये कहानी जो है आप सबको समझनी। श्रुति चौधरी जब आपकी सांसद बन के निकली यहां से, उस समय आपका क्षेत्र नया नया भिवानी के साथ जुड़ा, और आने वाले 25-30 साल तक आप भिवानी और महेंद्रगढ़ एक मजबूत और अभिन्न अंग जो है, एक जुड़ावा जो है वो है, इसको कोई तहस नहस नहीं कर सकता। तो ये जब आपका क्षेत्र श्रुति के भिवानी पुराना जो क्षेत्र है उसके साथ जुड़ा और श्रुति जीत कर निकली, तो एमपी का काम क्या होता है? एमपी का काम होता है कि सांसद के अंदर आपकी आवाज उठाई जाए। बड़े बड़े जो सांसद के लेवल के जो काम होते हैं, जो नीचे एमसी साहब हैं वो अपने नगर पालिका के हैं वो अपना काम करेंगे, एमसी अपने करेंगे, एमएलए साहब अपना करेंगे, एमपी जो है वो अपना करते हैं, ये कड़ी होती। तो क्या करा जाए? उसने यहां पता चला उसको कि हमारे इलाके के अंदर पाला जो है वो हमारी फसलों को बहुत बर्बाद करता है, सही बात है या नहीं? तो जब उसको ये मालूम चला और यहां पे पाले से हमारी फसलें बहुत ग्रस्त हुई, लोग उसको मिले जाकर और लोगों ने कहा कि जी बहन जी हमारे को मुआवजा दिलवाइए। तो जब वो मुआवजे की मांग लेकर गई तो पता चला पाला जो है वो मुआवजे में आता नहीं। उसको बहुत अचंभा हुआ कि ये क्या, ये भी आपदा भगवान की है, जैसे फ्लड भगवान में हिस्सा है भाई, आग जो है आगजनी होती है वो भगवान के उससे होता है, आंधी तूफान भगवान भेजता है, तो पाला भी भगवान देता है भाई, सही बात है नहीं? तो उसने इसके ऊपर कार्रवाई करी और कार्रवाई करके पार्लियामेंट में आवाज उठाई सोनिया गांधी जरिए। आज सोनिया जी के पास, सोनिया जी का उनके पास, उसके पास पत्र है कि एक ऐसा इतिहास काम करवाया, पार्लियामेंट के अंदर कानून बदलवाया, समझ रहे हैं आप, कानून बदलवाकर आपदा शब्द के अंदर जो पिछले 70 साल से आपदा के अंदर शामिल नहीं था, पाले को आपदा में डलवाया, और 36 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से जो आया वो मुआवजे के तौर पर दिलवाया। लेकिन आज क्या हुआ,
सरकार बनी इनकी, इन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू करी है। पूंजीपतियों की कंपनी है, पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए वो जो आपका शब्द का जो आपका डलवाया गया था पार्लियामेंट में, ये जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वाली जो कंपनी है, इन्होंने वो खत्म कर दी। मानते हैं आप इस बात को? तो ये आपका देखिए कैसे नुकसान होता है, जब सही नुमाइंदा ना हो तो इस तरह की बात होती है। एनसीआर की बात मैं आपको बताऊं, एनसीआर जो है, एनसीआर का क्या मतलब होता है? एनसीआर का मतलब ये कि हम दिल्ली के साथ जुड़ गए और दिल्ली के अंदर जो एनसीआर का जो रीजन है उसके अंदर केंद्र सरकार से पैसा आता है और वो काम जो है उस इलाके का जो पिछड़ापन है वो उसका दूर होता है। आज ऐसे 14 इलाके हैं जिसमें हमारा भिवानी महेंद्रगढ़ दोनों आता है। आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ, आज एनसीआर के मापदंड होते हैं कि किस तरह से एनसीआर बनेगा। भिवानी जो है वो मापदंड पूरा करता था और भिवानी के लिए एनसीआर को ही रजामंदी श्रुति को मिल गई, लेकिन महेंद्रगढ़ के लिए कांटा लग गया। समझते हैं आप? पता नहीं आप में से कितनों को मालूम है या नहीं, महेंद्रगढ़ के लिए एनसीआर का कांटा लगा दिया गया। श्रुति सोनिया जी के पास गई, उस समय कमलनाथ जी हमारे रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, और श्रुति ने कहा कि ये इलाका मेरे इलाके के साथ जुड़ गया है, अगर भिवानी को मैंने एनसीआर में डलवा दिया और महेंद्रगढ़ छोड़ दिया, सारी उम्र भर का लांछन मेरे सिर पे लग जाएगा कि ये दो बात करी है। इसलिए मैडम आप मेरे ऊपर कृपा करो, ये आप थोड़ा सा जो रिलैक्सेशन है, जो 25 किलोमीटर का जो रह गया था, ये हमारे लिए रिलैक्सेशन करके हमारे को इस इलाके के अंदर जोड़ो। सोनिया जी ने स्पेशल तौर से कमलनाथ जी को कहा, तब आपका इलाका जो ये सारा हीवाल का इलाका है नांगल चौधरी तक, ये एनसीआर के अंदर जोड़ा गया। ये इसलिए कि आज जो हमारा बैकवर्ड पना है, हम इंडस्ट्री लेकर आ सके और आने वाले समय में काम, तो ये काम जो है सांसद के होते। आपने देखा आपके समय पर यहां से जब सीपीएस से अपने दान सिंह जी, कोई कसर नहीं छोड़ी इन्होंने अपने इलाके में काम करने की। सही बात है या नहीं? करोड़ों करोड़ों रुपया जो है इन्होंने दी। श्रुति ने पानी के लिए पैसा लेकर आई, नांगल चौधरी तक जो है आज आप जानते हो आरओ से जो है वहां पे भैंसे नहाती है, जहां पे पीने के लिए बूंद नहीं, सब जानते हैं इस बात। तो ये काम होते हैं सांसद के, अपने एमएलए के अलग अलग सबके काम बटे हुए हो। आज जो है समय आ गया है दोबारा से हम सबको एक निर्णय लेना है कि हम कांग्रेस के मजबूती के लिए एकजुट होकर आगे बढ़े। और मैं सारे कार्यकर्ताओं को एक बात कहना चाहती हूं, मन में कोई दूसरी बात मत रखना, क्योंकि मुझे मालूम है नेताओं के अंदर टकराव होता है तो मारा जाता है कार्यकर्ता। सही बात है या नहीं? उसके समझ नहीं आती मैं कहां इधर या उधर, इधर चला गया तो वहां मुंह सूझ गया, उधर चला गया तो वहां मुंह सूझ गया, सच्चाई है। पर मैं आज आपको कहना चाहती हूं, मैं तय दिल से दान सिंह जी के साथ हूं और रहूंगी। हमारा और दान सिंह जी का कोई क्लैश नहीं है, आप समझ के रखिए, हम जहां हैं हम हैं, ये जहां है वहां है, हम दोनों मिलकर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर विजय विजय और विजय ही आपको हाथ में मिलेगी। हमारा ध्येय केवल एक है कि इलाके का विकास हो, इलाके को मजबूती मिले, ये जो हमारा पिछड़ा हुआ इलाका है, ये इलाका पूरे हरियाणा के अंदर अग्रणी हो, ये मेरा सपना है। और ये मजबूती आप दोगे, निश्चित तौर पे हम ये काम करेंगे, क्योंकि चौधरी बंसीलाल जी के घर में 36 बिरादरी एक है, कभी दो भाग की बात जिंदगी में चौधरी बंसीलाल जी के साथ नहीं, के घर में नहीं होगी। आप जानते हैं चौधरी बंसीलाल जी मुख्यमंत्री थे जब 1969 के अंदर घर घर के अंदर बिजली चसाई थी, बिजली लाए थे या नहीं लाए थे, सड़कें बनाई थी नहीं बनाई थी, नहर लेके आए थे नहीं लेके आए लाए थे। ये जो है मैंने उनसे एक दिन पूछा, बहुत साल पहले मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने ये शुरू कहां से करा, काम जब आपने काम शुरू करा, तो उन्होंने कहा
मैंने काम अहीरवाल से शुरू करा, बाछोट के अंदर जो है वो एयर स्ट्रिप बनाई, यहाँ पे कोई अफसर आके काम करने के लिए तैयार नहीं था। तो जो मुख्यमंत्री का जो प्लेन होता है उस प्लेन के अंदर जो है अफसर आया करते थे यहाँ और आपका काम करके वापस जाते थे। ये चौधरी बंसीलाल जी के काम और कार्यशाली थी। और क्यों उन्होंने अहीरवाल से काम शुरू करा, उनकी बात आज तक मेरे कान में गूंजती है। उन्होंने कहा था कि अहीरवाल इतना पिछड़ा हुआ इलाका है, कुछ नहीं है इनके पास, अगर इनको मैं बिजली, पहले मैंने सोचा कि पहले बिजली इनको दे दो कि इनके बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो कुछ खा कमा के लायक बन जाएंगे। ये चौधरी बंसीलाल जी की सोच। और इसलिए आज हिंदुस्तान के अंदर ऐसे गांव हैं आज तक जहां पे बिजली सड़क नहीं, लेकिन हरियाणा के कोने कोने के अंदर सड़क, बिजली, नहर का जाल जो है, स्कूलों का, कॉलेज का भी उन्होंने बिछाया। तो ये जो है हम सब ने आगे इस चीज को बढ़ाना है। और एक बात और मैं कहना चाहती हूँ, ये चुनाव के बाद 4 महीने के अंदर अंदर चुनाव हमारा प्रदेश का, हमारे हरियाणा का होगा, और विकास का रास्ता जो है वो सरकार तय करती है। एमपी अपनी जगह करता है, एमएलए अपनी जगह करता है। तो ये सरकार अगर बनानी है तो भाई ये पूरे 10 की 10 सीटें हमारे को जीत के लानी पड़ेंगी। हम ये सीट जीत कर जब आएंगे तो निश्चित तौर पे हरियाणा के अंदर दोबारा से कांग्रेस की सरकार बनेगी, और वो कड़ी जो आपकी खत्म हो गई थी विकास की, आज जो है गांव गांव के अंदर मैं गई हूं, मैं कहना नहीं चाहती लेकिन मेरा सिर जो है शर्म से नीचे झुक जाता है जब मालूम चलता है कि यहाँ के नुमाइंदे जो हैं उन्होंने कोई सुध बुध नहीं ली। सही बात है या नहीं है? तो जब सुध बुध नहीं ली, जीत कर आप आ गए, तो फिर आप किस लायक हो भाई? चुनाव जो है वो प्रजातंत्र जो है वो केवल विकास के लिए है, वोट जो है वो विकास के लिए है। अब आपके सामने 2 विकल्प है और आपके लिए कोई ऐसी बात नहीं आपके पास जिससे आपका नाक कटे या आपका सिर झुके। आपके जो नुमाइंदे हैं पाक साफ लोग हैं, आप इस बात को जानते हो, कोई एक आदमी उंगली लांछन नहीं लगा सकता। दावे के साथ ये मैं बात कह सकती हूं, काम करने के लिए हम लोग आए। एक तरफ आपके पास धर्मवीर जी हैं जो यहां से दोबारा से वोट मांगने आ रहे हैं, क्या कहते हैं, मैं इस लायक नहीं। और उनके साथ बड़े नेता आते हैं, वो कहते हैं हमारी चलती नहीं है, पिछली सरकार में भी नहीं चली, इस सरकार में भी नहीं चली। और आप कहते हैं एक, वो दो एक कहते हैं हमारी चलती नहीं, पिछली में भी नहीं चली भाई, हमारे में भी नहीं चली। और उनके साथ जिनकी वोट मांगने आते हैं वो कहते हैं कि मैं इस लायक ही नहीं। तो भैया मौड़े हैं क्या है, खाली चले भी कौन, खाली सुने भी कौन, और तुमने यूं भी कहो कि हम लाइक भी कौन, फिर भी भाई वोट गिरा दो, इतने पागल है क्या हम लोग, बताओ। नहीं तो हाथ खड़े करके बताओ कि हम मेरे को नहीं, नहीं। इसलिए सारे के सारे एकजुट हो जाओ, एकजुटता के साथ, ये जो हाथ मजबूत जो है ना, ये अगर मुट्ठी बंद हो तो भाई ये गुस्सा बहुत तेज होता है, और ये मुट्ठी अगर खुली हो तो भाई थप्पड़ ही लगता है और कुछ नहीं होता, तुम जानते हो। मैं आपको आखिरी में एक ही बात बधाई देती हूं कि ये चुनाव जो है प्रभु ने चाहा, आप लोगों की मेहनत से जीत कर आएंगे, निश्चित तौर पे जीत के आएंगे। आने वाले समय के अंदर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी और हमारे नुमाइंदे जो है आपके और भी आगे काम करेंगे और मिलजुल कर जो है सारे आगे बढ़ेंगे। 23 तारीख को श्रुति का नामांकन है, तो आप सब राम सिंह जी, अक्षत जी, सारे के सारे हमारे राधेश्याम जी को तो बोल ही रखा है हमने, सारे के सारे आप लोग आओ, बेटी का हौसला अफजाई करो ताकि आने वाले